हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल B2K के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहे। अब आगे बात करते हैं, जहाँ पे बिग बैश लीग सीजन 13 स्टार्ट हो चुका है, तो इस सीजन में बहुत मजा आएगा क्योंकि हर एक मैच काफी कांटे की टक्कर हो सकती है, सभी टीमें भी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो बात करते हैं मैच नंबर 4, जिसमें एक तरफ जहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन पर्सस कोचर्स है, तो ही दूसरी तरफ मेलबर्न इंडियंस है। तो उम्मीद करते हैं कि मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। यह मैच जिलोंग सिटी के सेवन स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो सेवन स्टेडियम के काफी फास्ट आउट फील्ड वाला माना जाता है, यहाँ पे बॉल बैंड से ऊंची आती है। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 32% रहेगा, टेम्परेचर 28 से 20 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रहेगा। वहीं अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे पर्थ कोचर 7 मैच जीत के आ रही, तो मेलबर्न इंडियंस 3 मैच जीत के आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मेलबर्न इंडियंस का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे एरन फिंच पिछले सीजन में गेट्स की टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर थे। फिंच ने 15 मैचों में 38.90 की एवरेज से 428 रन बनाए। वहीं पे क्विंटन डीकॉक टीम के मेन बैटर के रूप में जो इस साल बीबीएल में डिब्यूट करेंगे, जहाँ पे जॉय क्लार्क के निक मैंडिसन टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ है, सॉन मार्स और जैक फ्रेश एक्सपीरियंस प्लेयर है। ऑलराउंडर की बात करें, विल सुदरलैंड टीम के लिए प्लस पॉइंट है। बॉलिंग यूनिट में बात करें तो जहाँ पे मेन बॉलर के रूप में केन रिचर्डसन और टॉम रॉजर्स लीड करेंगे, जहाँ पे टॉम रॉजर्स पिछले सीजन 15 मैचों में से 23 विकेट के साथ रेनेगेड्स की ओर से लीडिंग विकेट टेकर थे, जबकि रिचर्डसन ने 12 मैचों में 12 विकेट लिए थे। जहाँ पे केली पोथा टीम के ऐड हुए हैं, मुजीबुर रहमान इफेक्टिव हो सकते हैं। टीम की स्पिन बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के दो मेन बॉलर नाथन लियन और एडम जंपा है। अब आगे बात करते हैं, चलते हैं की प्लेयर देखते हैं। तो की प्लेयर में एरन फिंच है, केन रिचर्डसन है, टॉम रॉजर्स और क्विंटन डीकॉक है। अब दूसरी टीम पर्थ स्कॉचर्स का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पे स्कॉचर्स ने बीबीएल 12 के चैंपियन है और इस बार वो अपना खिताब डिफेंड करने उतरेंगे। रेड हॉट पर्थ टीम हमेशा हराने वाली टीम है, उन्होंने पिछले सीजन के ग्रैंड फाइनल बिस्मेन हिट को हराया था, जिसमें कूपर कॉनली ने बेस्ट इनिंग खेली थी। वहीं पर युवा बैटर एरन हार्डी ने बैट से टूर्नामेंट को लीड किया और 4 अर्धशतक के साथ 41.81 की एवरेज से 460 रन बनाए। जहां पे जॉस इंग्लिश भी बेस्ट फॉर्म में थे, उन्होंने 35.91 की एवरेज से 431 रन बनाए, जबकि एथन टर्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट भी रनों के मामले में टॉप 10 में शामिल थे। बैनक्रॉफ्ट ने अब तक थंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जबकि पीटर होडलून भी होबेट में शामिल हो गए हैं। एंड्रयू टाइक टीम के बेस्ट बॉलर थे, उन्होंने 20.15 की एवरेज से 26 विकेट लिए थे, जबकि जेसन बैंड्रोफ ने 21 विकेट झटके से निकाले थे। इंग्लिश जोड़ी जैक क्रॉली और लॉरी एवेंस एक बार फिर से पर्थ के फॉर्नर प्लेयर होंगे, जिसका मतलब कि उनके पास 4 और स्पॉट है, जिसमें जरूरत पड़ने पर भरा जा सकता है। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो स्टेफन एकेजी टीम को बैलेंस करेंगे, जहां पे ऑलराउंडर मिचेल मार्श टीम के एक्स फैक्टर है, जे रिचार्डसन एंड अस्टन अगर भी जोड़ी को विकेट दिला सकते हैं। तो स्कॉचर्स ने बीबीएल 13 से पहले अपनी टीम रखी है। अब बात करते हैं की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे एरन हार्डी है, जॉस इंग्लिश है, मिचेल मार्श है और जेसन बैंड्रोफ है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली। अब अगर पढ़ते हैं, चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर पर्थ स्कॉचर्स होगा, क्योंकि पर्थ स्कॉचर्स की टीम काफी फॉर्म में दिख रही है, यह मैच जीत सकते हैं। यहाँ पे मेलबर्न रेनेगेड्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।